बागेश्वर धाम के दर्शन के लिए कैसे पहुँचें, जाने सफर का किराया और यात्रा की पूरी जानकारी। नमस्कार, स्वागत है आपका धर्म विज्ञान पर। मैं हूँ कीर्ति राजपूत। इन दिनों मध्य प्रदेश का बागेश्वर धाम और वहाँ के महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री काफी चर्चा में हैं। बागेश्वर धाम सरकार को लेकर कई दावे हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री माइंड रीडिंग, भूत प्रेत से छुटकारा दिलाना और भक्तों की कोई भी समस्या दूर कर सकते हैं। महंत धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का भी आरोप है। हालांकि इन सब के बीच कई भक्त बागेश्वर धाम के दर्शन करना चाहते हैं, हिंदू धर्म से जुड़े इस पवित्र स्थान पर जाने की इच्छा कर रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ महीनों में बागेश्वर धाम और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री काफी प्रसिद्ध हो गए हैं। बहुत से लोग बागेश्वर धाम के बारे में अधिक जानकारी नहीं रखते हैं। ऐसे में अगर आप भी बागेश्वर धाम जाना चाहते हैं, तो यहाँ मध्य प्रदेश के इस धार्मिक स्थल पर पहुँचने की पूरी जानकारी दी जा रही है। आइए जानते हैं कहाँ स्थित है बागेश्वर धाम, कैसे पहुँच सकते हैं बागेश्वर धाम, कैसे मिलते हैं बागेश्वर धाम के दर्शन, ट्रेन या बस का रूट और बागेश्वर धाम घूमने का पूरा खर्च कितना होगा। कहाँ स्थित है बागेश्वर धाम सरकार? हिंदुओं के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक बन चुका बागेश्वर धाम सरकार मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। बागेश्वर धाम मंदिर भगवान बालाजी का प्रसिद्ध मंदिर है। ये छतरपुर जिले की खजुराहो पन्ना रोड पर स्थित गंज नाम के छोटे से कस्बे से सड़क मार्ग के जरिए 35 किलोमीटर की दूरी पर है। कैसे पहुँचे बागेश्वर धाम? अगर आप बागेश्वर धाम सरकार मंदिर जाना चाहते हैं, तो सड़क मार्ग के जरिए या ट्रेन या हवाई मार्ग से भी यहां पहुंच सकते हैं। भोपाल से बागेश्वर धाम की दूरी लगभग 335 किलोमीटर है। बागेश्वर धाम ट्रेन से जाना चाहते हैं, तो सबसे पास छतरपुर रेलवे स्टेशन अथवा खजुराहो रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन से आपको टैक्सी या बस आसानी से मिल जाएगी। छतरपुर रेलवे स्टेशन से बागेश्वर धाम की दूरी 25 किलोमीटर है। दिल्ली से बागेश्वर धाम की दूरी लगभग 444 किलोमीटर है। अपनी निजी गाड़ी या बस से आप 12 घंटे का सफर तय करके बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। बागेश्वर धाम पहुंचने से 2 किलोमीटर पहले ही गाड़ियों को भीड़ के कारण रोक दिया जाता है। सुबह 8 बजे के पहले आप गाड़ी लेकर मंदिर के पीछे तक जा सकते हैं, वरना 2 किलोमीटर पहले ही पार्किंग में निजी वाहन को खड़ा करके आप पैदल या टैक्सी से जा पाएंगे। भीड़ के कारण टेम्पो मिलना कुछ मुश्किल हो सकता है, इसलिए पैदल यात्रा करें। बागेश्वर धाम जाने का खर्च, दिल्ली से छतरपुर के लिए ट्रेन मिल जाएगी, जिसका स्लीपर क्लास का किराया लगभग 320 रुपए और थर्ड एसी का किराया 800 रुपए तक होता है। वहीं इंदौर या भोपाल से भी छतरपुर के लिए ट्रेन मिल जाएगी। ट्रेन से छतरपुर का किराया 1000 रुपए से कम होगा। सार्वजनिक बस या टैक्सी के माध्यम से आप बागेश्वर धाम तक पहुंच सकते हैं। इसका खर्च भी 500 रुपए प्रति व्यक्ति से कम ही होगा। महज 5000 रुपए के बजट में प्रति व्यक्ति बागेश्वर धाम के दर्शन किए जा सकते हैं। पास में ही खजुराहो मंदिर स्थित है, सफर के दौरान वहाँ भी घूमने जा सकते हैं। क्या है बागेश्वर धाम की मान्यता? बागेश्वर धाम का दरबार मंगलवार और शनिवार को लगता है। मान्यता है कि अगर आपको भगवान बालाजी से कुछ मांगना है या किसी समस्या का निवारण करना है, तो अर्जी लगानी होती है। इसके लिए आप घर बैठे अर्जी लगा सकते हैं। बागेश्वर धाम पहुंचकर भी अर्जी लगा सकते हैं। एक लाल कपड़े में पर्ची बांधकर नारियल के साथ अर्जी लगाई जाती है। अर्जी की पर्ची निकलने पर बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आपकी समस्या पूछते हैं और इसका हल निकालते हैं। इसके अलावा दर्शन के लिए आपको कुछ खर्च नहीं करना होता। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल धर्म विज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक और नए वीडियो के साथ जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए टेक केयर,